हम अभी बोट राइड करने आए हैं वारी घाट में। अनाया कैसे लग रहा है? घाट आ गए हैं, अब हम बोट राइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये भैया है जो हम लोगों को यहाँ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। भैया से बात करिए। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम जित्तू है मैम। और आप कितने सालों से कर रहे हैं? सर मैं 10 सालों से कर रहा हूँ बोटिंग कराना। सर 10 सालों से सीखा हूँ मैंने, 10 साल हो गए सर। और ग्वारी घाट पे क्या होता है भैया? गौरी घाट में मतलब शाम के टाइम ना महाआरती होती है, बहुत बड़ी आरती होती है। जैसे वो उमा घाट में सात बजे करेक्ट चालू होती है महाआरती, तो बहुत प्यारा लगता है महाआरती में। और सामने ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे भी बहुत अच्छा घूमने की जगह है। उधर पे बीच में नर्मदा जी का मंदिर है, ये नर्मदा जी का बीच पानी में नर्मदा जी का मंदिर है, तो ये भी बढ़िया अच्छा घूमने लायक है सर। और बढ़िया घूमने बोटिंग भी अच्छा कराते हैं सर, पूरा लंबा घुमाते हैं। हम इनके साथ अभी घूम रहे हैं फिलहाल, ग्वारी घाट पे। बहुत अच्छा है, शाम का समय है तो थोड़ा ठंडा भी हो गया है अभी। और ये बोट भी काफी ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा हमें डर लग रहा है क्योंकि बोटिंग कर रहे हैं विदाउट लाइफ जैकेट, पर भैया बता रहे हैं कि इधर डरने की जरूरत नहीं है, वी आर यूज्ड टू इट। हमने पूरी एक बोट ऐसी करी है, हमने जस्ट एंजॉयिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैसी है कमेंट में बताओ। तो वो है वहाँ पे है गुरुद्वारा जो भैया बता रहे थे, वहाँ पे द्वारी घाट पे गुरुद्वारा। और ये अगर आप देखोगे तो वो घाट से ये घाट पे आने के लिए ऐसे बोट से या क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च या क्या छो भी चलती है। आप जूम कर रहे हो क्या? बहुत सही है, ये घाट से ये घाट आने के लिए। और ना भैया ये घाट से ये घाट आ कैसे सकते हैं अगर? सर एक्चुअली अपना ये रहता है सर तिलवाड़ा का जो पुल है, टू व्हीलर ये जो लोकल लोग हैं जैसे काम वाले हैं, सब्जी वगैरह दूध वाले हैं, तो नाव से सर इनको बहुत पास पड़ता है। 10 रुपए गाड़ी का लगता है गाड़ी पार होने का। और एक्चुअली अपन ऐसा पूरा लंबा घूम के जाएंगे तो अपन को सर 25-30 किलोमीटर पड़ता है पूरा लंबा घूम के। तो इधर के डेली के आपकी अप डाउन होता है दृश्य सर। 10 रुपए में तो बहुत किफायती है ना। हाँ सर, उधर से क्या सर 100 रुपीज का तो पेट्रोल ही लगा, 10 रुपए से बढ़िया सीधी अप डाउन डेली इधर के व्यापारी लोग हैं जो होता रहता है। पूजा पाठ बहुत होती है। ये मंदिर जो है ये पानी के बीच में है, थोड़ा इधर लेना होगा। ये फ्लोटिंग मंदिर है, नर्मदा जी का मंदिर। तो यहाँ पे भी जा सकते हैं बच्चे बोट लेके यहाँ पे आके ये कर रहे हैं। बोट राइड के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं ग्वारी घाट की सबसे फेमस आरती देखने के लिए। ये एक महाआरती होती है जो 7 o'clock को स्टार्ट होती है। ये मेनली की जाती है नर्मदा देवी के पूजा के लिए। Thank you.
खा विहार प्रवास वे प्रवेश। चलो 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 चलो, एक्साइटमेंट कम कर, संभालो संभालो। चलो से देखेंगे आप लोग स्काई ब्लू मार्बल रॉक्स, शुरू हो जाती आसमानी कलर की चट्टानें, हल्का नीला लाइट ब्लू, यहीं से हो जाती गाइड की कमेंट्री शुरू। वहाँ देखा लाइट ब्लू, पलट के देखो ब्लैक एंड व्हाइट, एक काली मिट्टी लगने से काले टूटने पर व्हाइट, फिर बोल के काले हैं तो क्या हुआ। सर मैडम जी, यही सामने में देखेंगे नेचुरल ब्लैक शिवलिंग रखे हुए हैं यही पत्थर के ऊपर, ये इसी नदी से निकाल के स्थापना किए हैं। अच्छा। वो ये शंकर भगवान की, जय मैया की, जय पार्वती मैया की, जय बोर्ड में बैठने वाले दीदी भैया की, जय। नाइस, दूर से क्रियल पास से बेकार, यहीं की शूटिंग थी जीन। सॉरी, हाँ यही साइड से देखेंगे मंकी गेस्ट हाउस, और झाड़ के ऊपर में देखेंगे करीना का दुपट्टा लटक रहा है, अशोक का पिक्चर। एक डायलॉग भी बोलता है, ये तेरे शीशे के महल नहीं संगमरमर की चट्टानें हैं, भाग सेटू कहाँ तक भागेगा, धुआंधार की स्टाल पे मारूंगा। ये देखेंगे ग्रे मार्बल पीछे स्लेटी खातों, पहले इसकी स्लेट बनती थी जिसमें बच्चे पढ़ते लिखते थे, हो जाते थे पास। अब के बच्चे मोबाइल कागज खराब पढ़ते हैं, सही सार नहीं पढ़ते, मम्मी पापा को परेशान करते, गुरुजी को बदनाम करते, मारते नकाल फिर भी नहीं आती अकाल, और देखते हैं फिल्में बिगाड़ लेते सकाल। बाद में आती है कल शादी के बाद, बीवी मार मार के सुधार देती है। ये देखो, हम आए हैं धुआंधार में धुआंधार करने के लिए। ओ हो हो हो, इतना दूर जाना है, वाह वाह वाह। नया किधर है हम लोग? आइसक्रीम जोरदार चल रहा है आपका।